ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ ਯੋ ਇੰਡੀਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਸਰਾਬਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। सराबा बहुत ही एक सोहनी मूवी है, जेडे इथों दे डायरेक्टर यानी कि यूएसए दे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ते एक्टर कविराज ने बनाई है। जरूर देखियो फिल्म 3 नवंबर को आ रही है, उन्होंने पास बड़ी एंजॉय करेंगे। केडी-केडी स्टार कास्ट है ये फिल्म दे विच? स्टार कास्ट विच अपने पुराने एक्टर्स महावीर पुलर मलकीत पुरानी जसवीर जस्सी सिंगर जड़ा हुआ है, थैंक यू सो मच। जपेश सिंह जरा के बच्चे चलो चलिए देश मा युद्ध करने होना चंद तो आखरी फरमान है। चलो चलिए देश मा युद्ध करने पन्ना जी लाला जी लगदा असी इस मूवी नूं इत्थे फ्रीमोंट सिने लॉन्च 7 दे विच वेख्या। ऑडियंस ने बहुत ही एंजॉय किया, असी आप भी वेख्या कि किवें प्राचीन काल दे कई सारे वस्तु इन्हां ने मूवी दे विच विखाए, जिवें कि उस जमाने दे लालटेन ते किद्दां उस वेले बैलगाड़ियां घोड़ा गाड़ियां चलदियां सन, किवें ओ इंक पेन दे नाल लिखदे सन, किद्दां दा उस वेले दा माहौल सी, ओ पूरा इन्हां ने मूवी दे विच इनवोक कीता। ते बड़े ही वधिया वधिया दृश्य सन, बड़ी ऑथेंटिक मूवी, बड़ी जेन्युइन मूवी। ते वंदे मातरम दा नारा कई वारा सरदारा ने ते बंगालिया ने, जड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन इस मूवी दे विच उभर के सामने आया है। हिंदू सिख एकता भी काफ़ी वधिया विखाई गई कि किवें साडे स्वतंत्रता सेनानियां ने अपनी जान नू हथेली दे रख के और पहली बार अमरीका दे विच भारत दी आज़ादी बारे सोचिया ते प्लैन कीता, ते वर्ल्ड वाइड किहड़े किहड़े मुल्कां तों उन्होंने अपने पहचान वालियां नू सरदारां नू खास तौर ते इकट्ठा करके अंग्रेज़ां दे विरुद्ध किवें लड़ाई लड़ी, ते फांसी कोलों बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्हां दी निडरता दा, उन्हां दी करेज दा, उन्हां दी ब्रेवरी दा, उन्हां दी वीरता दा बहुत ही वधिया प्रदर्शन, ते किद्दां साडे गुरुआं ने भी अपने देश वास्ते कुरबानियां कीतियां, ते उन्हां तों प्रेरणा लै के साडे सिख भाई गुरबाणी तो प्रेरणा लै के किवें गदर जड़ा यूएसए दे विच स्टार्ट होया, सैन फ्रांसिस्को दे विच गदर मेमोरियल भी हैगा, जड़ा कि अजकल कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को दा एक पार्ट बन चुकिया है, ते काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जड़े हुंदे ने, जिवें कि 15 अगस्त दा दिहाड़ा ओ गदर मेमोरियल दे विच वी कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को द्वारा बाखूबी सेलिब्रेट कीता जांदा है। ओवरऑल बहुत ही वधिया मूवी सी, इत्थों तक कि उस एरा दे म्यूजिक नू वी बड़े ही वधिया तरीके दे नाल इनवोक कीता गया। देश भगति दा उन्मुक्त नमूना बहुत ही वधिया दर्शाया गया। पेट्रियोटिज़म दी जिन्हों कहिंदे ने कि हाइट हुंदी है, पीक हुंदी है, देखो मूवमेंट्स जड़े ने एवें ही नहीं स्टार्ट हुंदे, उदे पिछे
एक जज्बा होंदा है ते उस जज्बे नू सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि कई बंदे मिल के यूनिटी दे नाल अब रिसोर्सेज भी जुटांदे ने ते अग्गे वधदे ने ते किवें जड़े लोग इस मुल्क विच आ चुके सन अमरीका दे विच आ चुके सन उन्होंने न्यूज़पेपर राही अपने जज्बे नू जिंदा रखिया अते देश दे वास्ते प्रेम लैके वापस इंडिया जाके देश दी आज़ादी वास्ते ते ब्रिटिशर्स दे अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई ते अपने हथियार चक्के जड़ी एक बहुत ही वधिया गल सी। ते इस मूवी नू मैं जसलीन खनूजा बहुत ही इनू प्यार देना चाहवांगी यो इंडिया टीवी दी सारी टीम पास्यों। इदी 5 out of 5 रेटिंग हैगी। सिनेमाटोग्राफी होवे, म्यूजिक होवे, स्टोरी लाइन होवे, एवरीथिंग वॉज दी बेस्ट एंड स्पेशली इट इज़ एन ऑनर टू हैव सच काइंड ऑफ पेट्रियाटिक फिल्म्स विच शो सम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड हिस्टोरिकल मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आवर मदरलैंड। ते कविराज जी नू बहुत बहुत सैल्यूट ते सारियां नू एही निवेदन है कि तुसी जाके अपने सिनेमाज दे विच इस मूवी नू देखो ते सपोर्ट करो। जसलीन खनूजा, यो इंडिया टीवी, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, USA। परमेश्वर दे गाई चलो जन्म लिया जो पटने शहर आके लीला उसते निगाह बिठाई चलो। करतार सिंह सराबा जिहड़ा ओ आइकॉन ने पंजाब दा ते आई गेस इट वाज ओके। थैंक यू। रोल बाबा सोहन सिंह भगना दा रोल उन्होंने आप कीता खुद। आई लाइक दैट, वेरी गुड। सॉन्ग्स की वजह लगे? हां, सॉन्ग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। ते फिर मर ले साह गिनने शुरू कर दे। वो तो मैं हर रोज गिनता। वंदे मातरम। ये हमारे सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। यंग मैन, ये तो शुमाय और इतिहास ही बताएगा कि ऑनर तेरा जा मेरा। राज बिहारी बोस ये वो शख्स ने जिन्होंने अंग्रेज अफसर हार्डिंग से गोली चलाई सी। सर, आपकी बहादुरी के बारे में यह सब जानते हैं। हमें आपकी तो आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम फ्रीमोंट से आए हैं और मेरा नाम नौशीन है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप बताइए। अंजुम, अंजुम नाम है। तो मूवी देखने के पीछे आपका क्या विचार है, मतलब
क्या इंस्पिरेशन मिली कि सराबा जैसी हिस्टोरिकल मूवी आप यहाँ देखने आए हैं? एक्चुअली मुझे जो है ना वो ट्रू स्टोरीज पे जो मूवीज बनती है ना वो बहुत पसंद है अब, और लोगों से बहुत तारीफ सुनी मैंने इस मूवी की, तो इसी वजह से मैं इस मूवी को देखने आई हूँ। बहुत ज्यादा सोहनी मूवी, बहुत ही भावुक मूवी है, एक मिनट की बोरिंग नहीं हैगी, और जिन्हें भी करैक्टर्स है एक दूजे के उपर बहुत सोहने, तो मैं रिकमेंड करूँगा अपनी फैमिली के नाल परिवार के नाल आके मूवी देखनी है। अज मैं कल आया सी, बच्चे बिजी है सारा, एक दो दिन के विच आके मैं फैमिली के नाल समेत मूवी देख के जाऊँगा। किसी भी पक्षों मूवी कोई कमी नहीं, कविराज सुना का रोल सब तो उपर रोल, कविराज का, जपते सिंह का, और हर एक का रोल बहुत वधिया, लेकिन हुण उन्हां दे नां नहीं पता लगता क्योंकि उन्हां दी पहचान नहीं आउंदी अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा पंजाबियों नूं इहो जिहियां मूवियां वाली मुड़न चाहिए, हासे खेड वालियां मूवियां जां नीवे लैवल दियां मूवियां नहीं विखाउणियां चाहीदियां। इहो जिहियां मूवियां करतार सिंह साहबा, शहीद भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, होर साडी कौम दे विच बड़े शहीद है, इहो जिहियां मूवियां लैके सानूं साडे बच्चियां नूं साडे इतिहास नाल जोड़ना चाहीदा। साहिबजादां दी मूवियां बनाउणियां चाहीदियां, गुरुआं दी मूवियां बनाउणियां चाहीदियां। अखीर दे विच कविराज ते सारी टीम दा बहुत बहुत धन्नवाद, कमाल दी मूवी, बा कमाल, बार बार विराग आउंदा वेख के और बड़ा जोश भी आउंदा, साडी जवानी किहड़े पासे नूं किन्ना स्टैप चक्के आ उहनां दे करके असीं आजाद होए आ, जिहड़े अज असीं आजादी माण रहे हैं उहनां दी कुरबानी सी, उह कहिंदे साडा अखीरला थ्रू उहनां दा पहला बणेगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ वे पुत्रा, मैं ता गुरबाणी दा कीर्तन करन वाला सिद्धा साधा बंदा है, सच्चाई दी खोज है। जिहड़ा बंदा आप बेड़ियां जकड़िया होवे ना उही दस सकदा गुलामी की हुंदी है। साढ़े गुरु दी ये दित्ती दस्तार आजादी दा चिन्ह है। तुसी दसो जे असी अपने गुरु तो अधीन किसी होर तर रहीए तां सही है। उम्र च भावे तू छोटा है पर गल्लां तू बड़ियां वड्डियां करन लग। बहुत ही वधिया मूवी सी। असी वंदे मातरम दा नारा खास तौर ते कई वार सुनिया, सिखां दा नारा जनरली बोले सोनेहाल सत श्री अकाल ही हुंदा है, लेकिन दे मातरम दा नारा असी मूवी दे विच कई वार वेख्या, जिन्हें जोश जगाया ते जेलां दे विच भी बह के ओ वंदे मातरम लगे रहे। फांसी तों पहले भी वंदे मातरम दा नारा जिहड़ा सी ओ काफ़ी जोशो खरोशो नाल दस्या गया, ते की कहना चाहोगे? No, it was a very good movie. Jinnah vikhaya like historical how Sikhs have been always towards the country, even always proud of their country. Te unhone kafi apne contribution ditte ne, like you were saying earlier, they sada religion vi sikhanda hai ki how we should fight against injustice, and that was the whole message, like we should always do everything for our country, and that's what these guys were doing. This person came to America, learned everything, but he left all the wealth and was not at all worried and scared, and ultimately went to India, and not only he gave his life, but he like inspired so many people, next generation. That was the whole idea, like how even though he is dying and he could not achieve the whole goal of that movement on a particular day, but he was able to inspire the next generation, and that's what actually caused the independence. So a very valuable contribution of each and every person who gave their life for this movement. ते सानू यही मैसेज मिलता है कि शहीदां दा जड़ा खून है वह व्यर्थ नहीं जाता। करतार सिंह सराबा ने भी अपनी कविता राही यही मैसेज दिता हैगा, ते उन्हां सारिया शहीदां नू असी सल्यूट करने आ जिन्हां दी कुर्बानी करके अज देश आज़ाद है, ते भारत नू ब्रिटिशर्स तो जड़ी है और राहत मिली हैगी। ते बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। थैंक यू। Do I make myself absolutely clear? पैसा तो चौदियां दे काम आउंदा सर, मरियां दे नहीं। Good. You understand? एरिया खाली है। बंदे बंदे मात्र। ये भी देशभक्त। संगे इजाज़त यात्रा वधरान मैनू मिलिया सी अपने मेंबर नाम
ਰੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ।